उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड 19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदाय सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, समर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विजय दिवस के मौके पर सीएम ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। भारत पाक के युद्ध के शहीदों को किया नमन। 16 दिसंबर को बताया सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी जीत। नमामि गंगे के तहत प्रदेश को 6 करोड़ की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की मिली स्वीकृति। सीएम धामी ने जताया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार। और उत्तराखंड आए राजनाथ सिंह ने सीएम धामी के कामों की जमकर की तारीफ। कहा धाकड़ बल्लेबाज के साथ तूफानी गेंदबाज भी हैं धामी, विरोधियों को कर रहे हैं क्लीन बोल्ड। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले विजय दिवस की करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना, भूतपूर्व सैनिकों और देश के साथ प्रदेशवासियों को भी बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि भारत के सैनिक इतिहास में 16 दिसंबर वीरता और पराक्रम का ऐतिहासिक दिन है। 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को नमन करते हुए सीएम ने कहा कि हमारे सैनिकों के पराक्रम से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट गया था। आज ही के दिन 13 दिनों में भारतीय सैनिकों के साहस और बहादुरी के सामने नतमस्तक होकर पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करना बेहद खास रहा था। हमारे सैन्य इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत थी। आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से रैली को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से जोरों शोरों पर तैयारी की जा रही थी। पार्टी नेताओं ने प्रदेश भर से करीब 50,000 लोगों के रैली में शामिल होने का दावा किया है। इसके साथ ही आज कांग्रेस की इस रैली से पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के प्रियजनों को, साथ ही बता दें परिजनों को भी प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। आपको जानकारी दे देते हैं कि राज्य में चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। राहुल की इस रैली में कांग्रेस चुनावी शंखनाद का भी आगाज करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस की इस रैली को पीएम मोदी की रैली के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। नमामि गंगे के तहत प्रदेश में 6 करोड़ की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति मिली है। राज्य के सीमांत क्षेत्र खटीमा से सटे झनकैया पर 3,62,00,000 के 2 स्नान घाटों के निर्माण और ऋषिकेश में 2.50 करोड़ लागत वाली घाट क्लीनिंग परियोजना को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार जताया।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हैं और हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रपुर में मनीष सिसोदिया 16 से 19 दिसंबर तक लोगों से संवाद करेंगे, साथ ही कई जनसभाओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम तय है। बता दें, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को आपके चुनावी शंखनाद का आगाज कर गए हैं। आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश में आप नेताओं ने कमर कस ली है। नैनीताल दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लालकुआ के प्रांगण में आयोजित 72वां और 73वां वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन समापन हुआ। प्रदेश की दुग्ध विकास मंत्री रेखार ने करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। इस मौके पर दुग्ध संघ की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। मंत्री रेखार ने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ में पशुपालकों के लिए एक लैब की भी स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से चिकित्सकों द्वारा पशुओं का इलाज भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों के हित में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। आमंत्रण में निश्चित रूप से हमारे दुग्ध सहकारी समिति के प्रतिनिधियों के साथ में आज मुलाकात हुई, उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका मिला। इसके साथ साथ में इस दुग्ध संघ परिसर में जो है आज एक नई लैब, जो पशुपालकों के लिए एक नई लैब की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे पशु चिकित्सा करना संभव हो पाएगा, उनकी बीमारी को जानना संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ में आज बहुत ऐसे जो कि बहुत अच्छी मात्रा में दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि भी वितरित करी गई है। मैं समझती हूँ कि यह AGM की बैठक निश्चित रूप से सफलता की ओर जाते हुए दिख रही है। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने अपना चुनाव चिन्ह सिलेंडर लॉन्च किया है। इस मौके पर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री दिनेश धने ने कहा कि जनसभाओं के अनुरूप क्षेत्रीय दल का गठन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग से पार्टी को चुनाव चिन्ह सिलेंडर मिला है। उन्होंने जनता व कार्यकर्ताओं से कहा है कि क्षेत्र के के लिए आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड जन एकता पार्टी को मजबूत करने की अपील करते हुए वोट की भी अपील की। हम सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप मिला है और ये जनता को और कार्यकर्ताओं को समर्पित है और आज से कार्यकर्ता इसको लेकर जन जन तक अपने चुनाव चिन्ह को पहुंचाएगा और जो हमारी भावी रणनीति है उसको अमलीजामा पहनाएगा। हम जितने भी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास आज हमारी एक पहचान, जो राजनीतिक दलों की एक अपनी पहचान होती है, वो पहचान भी हमको मिल चुकी है। इस पहचान को लेकर हम पूरे उत्तराखंड में इस चुनाव चिन्ह का जो परचम है वो ले रहे हैं। 5वें धाम के तौर पर देहरादून में सैन्य धाम की नींव केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रख गए हैं। 50 बीघा भूमि पर देहरादून में बनने वाला सैन्य धाम आखिर कैसा होगा, ये सवाल सभी के मन में उठ रहे होंगे। तो चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सैन्य धाम कैसा होगा और क्या कुछ इसमें खास रखा जाएगा। उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर देहरादून के गुनियाल गाँव में आज सैन्य धाम की नींव रखी गयी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य के CM पुष्कर सिंह धामी समेत केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। करीब 50 बीघा भूमि पर सैन्य धाम को 63 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। 15 नवंबर को गढ़वाल मंडल के सवाड़ गाँव और कुमाऊं के मुनाकोट गाँव से शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की गयी थी, जिसके बाद सैन्य धाम निर्माण के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन से कलश में लाई गई मिट्टी को एकत्र कर देहरादून लाया गया है, जिसे सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा जाएगा। इसके अलावा सैन्य धाम में शहीद द्वार का नाम पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर भी रखा जाएगा। 5वें धाम सैन्य धाम में दूसरे विश्व युद्ध से लेकर अब तक उत्तराखंड में जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सब के चित्र लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन सभी के बारे में जानकारियां भी दी जाएंगी। इसके अलावा सैन्य धाम में लाइट एंड साउंड सिस्टम, टैंक जहाज के साथ ही अन्य सैन्य उपकरण भी रखे जाने हैं। Time TV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड आए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का शिलान्यास किया। देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम की नींव रख राजनाथ सिंह ने इस मौके पर भारत पर बुरी नजर डालने वालों पर जमकर प्रहार किया, तो वहीं पूर्व CDS को भी श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देहरादून के गुनियाल गाँव में सैन्य धाम का शिलान्यास किया।
63 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सैन्य धाम उत्तराखंड में पांचवें धाम के तौर पर जाना जाएगा। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। सैन्य धाम का शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले पूर्व CDS जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने देवभूमि को शौर्य और पराक्रम की भूमि बताते हुए कहा कि कुछ ताकतें भारत और नेपाल के रिश्ते को बिगाड़ना चाहती है, लेकिन उन रिश्तों को किसी कीमत पर न तो टूटने दिया जाएगा और न ही बिखरने। बहनों भाइयों, पूरा भारत की सच्चाई को अच्छी तरह जानता है, यह वीरों की धरती है, यह तपोभूमि है और इतना ही नहीं, शौर्य पराक्रम की यह भूमि है। उत्तराखंड की वादियों में जहां भी चले जाइए, शौर्य साहस और पराक्रम के किस्से सुने और सुनाए जाते हैं। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, 1971 के समय के दौर को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ठीक 50 साल पहले सेना के पराक्रम के बूते पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन भारत का चरित्र कभी ऐसा नहीं रहा। लेकिन अगर कोई भारत पर बुरी नजर डालेगा तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके पहले जो कभी नहीं हुआ वो हमारी मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया बहनों भाइयों, और हमने यह संदेश दे दिया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से, यदि हम जरूरत पड़ी हम दुश्मन को तो इस पार मार ही सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर हम दुश्मन को मार सकते हैं, यह संदेश देने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। वहीं राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हुआ है और वर्तमान में देश 72 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। आज के कुछ वर्षों पहले ऐसे हालात थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता था, जितनी गंभीरता पूर्वक उसकी बातों को सुना जाना चाहिए उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं सुना जाता, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ भी बोलता है उसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुना जाता है। सैन्य धाम का शिलान्यास करने आए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों की शहादत को याद करते हुए दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दे डाली। उत्तराखंड का इतिहास गवाह है कि यहां से देश सेवा में गए जवान दुश्मनों पर भारी पड़े हैं और आगे भी देश सेवा में राज्य का सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देकर देश को अपनी शहादत नाम करने से पीछे नहीं हटेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य की कमान को संभालते हुए पुष्कर सिंह धामी को 5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन 5 महीनों में चुनावी दौरों पर आए केंद्रीय नेता सीएम धामी के कामों के मुरीद हो गए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम धामी की पीठ थपथपा गए हैं। उत्तराखंड आए राजनाथ सिंह ने भी सीएम धामी को ना सिर्फ धाकड़ बल्लेबाज बताया बल्कि उन्हें ऑलराउंडर का भी टैग दे दिया। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के चुनावी मैदान पर शहमात का खेल सियासी क्रिकेट पिच पर खेला जा रहा है। 18 नवंबर को देहरादून आए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री धामी के कामों को सराहते हुए उन्हें धाकड़ बल्लेबाज बताकर 2022 में BJP का जीत का दावा किया था। इन्हें आखिरी ओवर में उतारा गया है क्रिकेट के मैदान में खेलने के लिए, 2020 के मैच में मैदान में उतारा गया है, लेकिन बहनों भाइयों मुझे पूरा विश्वास है भले ही आखिरी ओवर में पुष्कर सिंह धामी को मैदान में, पुष्कर सिंह धामी बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं, विजय हासिल करके रहेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास। राजनाथ सिंह के इस बयान को महीने भर का वक्त भी नहीं बीता कि सैन्य धाम के शिलान्यास के मौके पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर सीएम धामी की तारीफों में कसीदे गढ़ दिए। राजनाथ सिंह ने इस बार सीएम धामी को न सिर्फ धाकड़ बल्लेबाज कहा बल्कि उन्हें ऑलराउंडर बताते हुए विपक्षियों को चित करने का दावा भी कर डाला। सुनिए जरा आप भी राजनाथ सिंह का ये बयान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, मैं जानता हूं, युवा होने के साथ ही विनम्रता और शालीनता की भी पराकाष्ठा है, जिससे भी बात करिए सब कहते हैं कि भाई अभी तो इनको जांच परखे जाना है, भविष्य में क्या करेंगे, कितना करेंगे, लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है, बहुत ही शालीन हैं, सज्जन हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं,
इसकी लोग तारीफ करते हैं और जिस तेजी से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया है उसकी भी जन सामान्य में इसकी चर्चा की जा रही है। इसीलिए जब पिछली बार मैं आया था तो मैंने इन्हें कहा था कि ठाकड़ बल्लेबाज, लेकिन जब एक दिन यहां आने के पहले जब मैं सारे इनके कामों की सूची देख रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुष्कर धामी ठाकड़ बल्लेबाज तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बड़े तेज तरार गेंदबाज भी हैं और पदक झपकते ही अपने विकास विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यह ताकत हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अंदर है जो मैंने अनुभव किया है। और विकास के मामले में जिस तेजी के साथ कह सकते हैं इनके बारे में यही मैं कहना चाहूंगा कि ऑलराउंडर है। सीएम धामी और केंद्र के सहयोग से प्रदेश में विकास कार्यों को गिनाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य पिछले 5 सालों में विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। यहाँ की सरकार में भी और हमारी केंद्र की सरकार में भी सहयोग किया है, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कई ऐतिहासिक काम हुए और मुझे आज के समाचार पत्रों में खबर पढ़कर बेहद खुशी हुई है। यहाँ पर आल वेदर रोड जो हमारी सरकार ने बनाने का फैसला किया था उस पर कुछ रोक लग गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले के द्वारा उस मामले को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। मैं यह मानता हूँ कि यह आल वेदर रोड जो यह बन रही है बहनों भाइयों, यह गढ़वार और कुमायूं दोनों इलाकों को और नजदीक लाने का यह काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बात 16 आना सच है कि कोई सालों में भी अपनी पहचान नहीं बना पाता और कोई कुछ ही महीनों में सालों की पहचान कायम कर लेता है, ऐसा ही कहावत का रंग सीएम धामी के साथ जुड़ चुका है। 5 महीनों में मुख्यमंत्री धामी के राज्य हित में लिए गए फैसले की चर्चाएं केंद्र तक गूंज रही हैं, जिसके बूते भाजपा 2022 में दोबारा सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ आने का दावा कर रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो जनता ही जानती है और ये जानने के लिए सभी को थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना की सभी बाधाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाईवे बनाने को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के मिलने से आवागमन में आसानी होने के साथ ही सैनिकों को भी चीन से सटी सीमाओं पर पहुंचने में मदद मिलेगी। देखिए रिपोर्ट।
एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विजय दिवस के मौके पर सीएम ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। भारत पाक के युद्ध के शहीदों को किया नमन। 16 दिसंबर को बताया सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी जीत। नमामि गंगे के तहत प्रदेश को 6 करोड़ की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की मिली स्वीकृति। सीएम धामी ने जताया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार। और उत्तराखंड आए राजनाथ सिंह ने सीएम धामी के कामों की जमकर की तारीफ। कहा धाकड़ बल्लेबाज के साथ तूफानी गेंदबाज भी हैं धामी। विरोधियों को कर रहे हैं क्लीन बोल्ड। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हों सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड।